हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। भारत के केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इससे क्या होगा कि होम लोन या व्हीकल लोन वालों की ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसी ईएमआई है वैसी ही रहेगी, अर्थात ना उसमें कोई वृद्धि होगी और ना कोई कमी होगी। आज का टॉपिक हमारा इसी बात पर आधारित है और टॉपिक क्या है, आरबीआई की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा। तीसरी जो मौद्रिक नीति समीक्षा है, ये तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा है। हर दो महीने पर आरबीआई जो होता है वो मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट जारी करता है, अर्थात वर्ष में कितनी हो गई, हर दो महीने पे एक जारी करता है तो वर्ष में 6 हो गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वर्ष में कितनी मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट जारी करता है, तो वो 6 जारी करता है। आरबीआई ने 8 अगस्त 2024 को चालू वित्त वर्ष 2024 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की। 6 से 8 अगस्त को एमपीसी अर्थात मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक मुंबई में हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न और आपको बता दें इंपॉर्टेंट, कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इस समीक्षा में रेपो दर को, रेपो रेट को जो है लगातार 9वीं बार, जैसा कि मैं बता चुका हूं, 6.50% पर पूर्ववत रखा गया। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति की स्थापना। यहां पे हमें एक बात क्या क्लियर हो रही है कि मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति समिति जो है वो कितने सदस्यों की होती है, एमपीसी, वो 6 सदस्यों की होती है। इसमें 3 सदस्य जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं और शेष 3 सदस्य जो होते हैं वो भारतीय, भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं। अब 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की स्थापना वर्ष 2016 में उर्जित पटेल समिति की संस्तुति पर की गई थी। यहां पे हमें यह भी मालूम पड़ गया कि एमपीसी की स्थापना कब की गई थी, तो एमपीसी की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी और किस समिति की संस्तुतियों पर की गई थी, तो उर्जित पटेल समिति की संस्तुतियों पर की गई थी। अब यहां पर हमें यह भी जानना जरूरी है कि रेपो रेट क्या होता है। तो इस दर पर रिजर्व बैंक जो है वो अल्पकालिक अवधि के लिए बैंकों को ऋण देता है और इसमें कमी से बैंकों को ऋण सस्ता करने का अवसर मिलता है। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। लास्ट